पता नहीं होगा, रात को हम लोगों ने मतलब दो दिन से हम लोग यहीं स्टे कर रहे थे। मोनेस्ट्री है, मोनेस्ट्री अलग, ये स्टेज भी होते हैं अलग अलग, बट जो ये सारे हैं ये लोग यहाँ पे तिब्बतीन सीखते हैं। और ये सारे सारा कुछ देख रहे हो, ये जितने भी यहाँ पे तिब्बतीन लोग रहे बाहर की तरफ रहते हैं, जैसे कि मान लो देखो कनाडा, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, तो ये लोग यहाँ पे तिब्बतीन सीखने आते हैं, क्योंकि ये लोग वहाँ पे पैदा होते हैं तो इनको तिब्बतीन आती नहीं है। यहाँ पे ये लोग कर्नाटक के अंदर एक जगह है, नाम मैं भूल गया किस जगह का, लिटरली भाई यहाँ के बहुत कॉम्प्लिकेटेड नाम है, मेरे को याद भी नहीं रह रहे हैं, ये लड़ा है वो लड़ा है ऐसे करके नाम है, सर याद भी नहीं रह रहे हैं। तो यहाँ पे लोग तिब्बतीन सीखते हैं, और अपने अप्रोक्सी में आपको बताऊँ 7 to 8 kilometers पूरा का पूरा एरिया तिब्बतीन का है। यहाँ पे बहुत बढ़िया टेम्पल है, गोल्डन टेम्पल, वो हम फटाफट यहाँ से चलते हैं। तो यहाँ पे मोनेस्ट्रीज वगैरह बहुत सारी हैं। आज हम लोग आए हैं, गोल्डन टेम्पल है यहाँ का, मतलब इन बुद्धिज्म लोगों का मेन है, और यहाँ के नाम से भी फेमस है गोल्डन टेम्पल। हमने तो अमृतसर वाला सुना था, कर्नाटक का यहाँ पे भी देख लेते भाई। भाई साहब ये प्रॉपर गोल्डन टेम्पल, मतलब समझ रहे हो, सारी ये जो मूर्ति है सारी गोल्ड की हैं ये, और लिटरली बहुत बढ़िया है ये देखो। तो बस फिर क्या, एक अनजान शहर में अगर आपको इतने खूबसूरत भगवान के दर्शन हो जाएं तो क्या उस शहर को छोड़ने का आपका मन करेगा? मुझे पता है बिल्कुल भी नहीं। तो ऐसे हम लोगों ने अपनी जर्नी को कंटिन्यू करा, एक दिन के अंदर हम उन्हें उस शहर की 5 अनदेखी जगहों को कवर करा, 5। तो फर्स्ट एंड फॉर आप लोगों को जैसे हम लोगों ने देखा है गोल्डन टेम्पल, सेकंड जो हमारी प्लेस आने वाली है उसका नाम है मैसूर पैलेस। आप लोगों को जैसे पता होगा हम लोगों ने उस दिन मैसूर के अंदर हम लोगों ने स्टे किया था, तो मैसूर के अंदर अगर स्टे कर रहे हैं मैसूर पैलेस नहीं दिखाया तो बेकार है। फटाफट से आप लोगों को जैसे कि पता ही होगा कि हम अपने चैनल पे बताते कम है और दिखाते ज्यादा है, शुरू करते हैं नंदी की दास्तानों को। मैसूर पैलेस भाई साहब, पता नहीं क्या क्या चीजें हैं यहाँ पे, क्या नहीं है समझ ही नहीं आ रहा कुछ, जो बस देखते जाओ तुम यार। सब कुछ यहीं पे कैरी करना पड़ेगा, अंदर कुछ भी नहीं है, और अंदर आने का एंट्री टिकट 100 rupees था, सब कुछ यहीं पे बाहर रखना पड़ेगा। ये ऐसा लग रहा है भूलभुलैया 2 है, आम ही जेतु मां।
जब सफर ही इतना खूबसूरत हो तो मंजिलों को कैसे टाला जा सकता है। तो जैसे तुमने देखा, हमने अपनी दूसरी मंजिल को इतना खूबसूरती से निहारा, उसे अपने कैमरे में कैप्चर किया, तो ऐसे हम अपनी तीसरी मंजिल की तरफ निकल चुके थे। बताएंगे नहीं, दिखाएंगे। अरे लाओ मैडम, पानी वाला 50 रुपए पर ईच। वृंदावन पार्क, वृंदावन पार्क, वृंदावन पार्क। आज पता नहीं कितनी जगह घूमेंगे। 50 रुपए पर ईच टिकट। और दया दैट द यूनिक प्लेस गाइस। इधर भाई बारिश का कुछ भरोसा नहीं, कभी भी बारिश आ जाती है। तो बस फिर क्या, वृंदावन पार्क का ये लाइट शो देखने के बाद हम लोग बहुत ज्यादा टाइट हो गए थे, थक गए थे हम लोग बहुत ज्यादा। तो हम लोगों ने कोई तीसरी लोकेशन पे जाने की बजाय अपने होटल रूम में जाना डिसाइड किया। तो दिखाते हैं। तो ये हम लोगों का होटल है, चलते हैं अंदर। भाई साहब, अपने होटल में पहुंच चुके हैं, हमारे को की मिल चुकी है। होटल बड़ा डीलक्स लग रहा है। सब लोग पहुंच गए। पहुंच गया अंकल जी, मिल गया। खोलो, चलो फटाफट चलते हैं भाई साहब। रूम ढूंढना 204 मिल गया। दैट्स की टैब हियर एंड ओपन एंड स्लॉट। ओ Oh my goodness, भाई साहब रूम बड़ा शानदार है। बॉमिंग एरिया